नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ शुभम शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के स्लाइड शो टैब के बारे में। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारा ग्रुप जो है वह है स्टार स्लाइड शो, और यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब कि जब हम स्लाइड शो, यहाँ पर देखिए हमने कुछ ऐसे ही सिंपल सी स्लाइड डिज़ाइन करी हैं, और इनका जब स्लाइड शो हम ऑन करते हैं तो ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ इस स्लाइड पे हैं और अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो हमारा जो स्लाइड शो ऑन होगा वो फ्रॉम बिगिनिंग से, मतलब स्टार्टिंग से ऑन होगा, पहली वाली स्लाइड से। जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड हाई वाली थी तो ये यहाँ से ऑन हो रहा है। ओके, और अगर हम करते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड, जैसे कि मान लिया हम इस स्लाइड पे हैं और फ्रॉम करंट स्लाइड पे करते हैं, मतलब तब यहीं से ऑन हो जाएगा हमारा स्लाइड शो। फ्रॉम करंट स्लाइड शो यहीं से ऑन हो रहा है, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन इस तरीके से यूज होते हैं। फिर बात करें हम कस्टम स्लाइड्स को, जैसे कि हम चाहते हैं अभी देखा जाए तो यहाँ पर 5-6 स्लाइड्स हैं, ठीक, 6 स्लाइड्स हैं टोटल। अगर हम चाहते हैं इनको अपने तरीके से सेट करें कि जो स्लाइड हम चाहते हैं वही हमको दिखाई, मतलब दिखाए प्रेजेंटिंग में और बाकी ना दिखाए, तो कस्टम स्लाइड पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टम शोस, और यहाँ पर न्यू में जो है हम ऐड करा लेंगे। ओके, ठीक, न्यू पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी स्लाइड्स के नाम दिए हैं, ठीक। इस तरीके से हम कौन सी स्लाइड ऐड कराना चाहते हैं कस्टम से, हम मान लीजिए जैसे 2 इसको ऐड करा लिए, 4 इसको ऐड करा लिए और 6 को ऐड करा लिए। हम ये तीन स्लाइड जो है हम चाहते हैं शो कराएं, बाकी और कोई इतना शो कराए तो ओके करेंगे। यहाँ से हमारा कस्टम शो वन नाम से एक चीज़ जो है वो हमारी जो है सेव हो गई है, इसको हम चाहें क्लोज कर दें। और यहाँ पर जब आएंगे कस्टम शो पे तो देखिए एक कस्टम शो वन नाम से जो हमने अभी बनाई है, अगर उस पर क्लिक करते हैं तो वही स्लाइड शो होती हैं जो हमने यहाँ पर मतलब सेव करके रखी हैं। अगर इस पर हम माउस पे क्लिक कर जाएं तो इस तरीके से तीन ही स्लाइड यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम अगर मान लिया बहुत सारी स्लाइड्स हैं हमारे प्रेजेंटेशन में और हम चाहते हैं कुछ ही स्लाइड अगर शो कराएं तो यहाँ पर जा करके हम सेट कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट बात करेंगे सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो क्या होता है कि यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं कि कैसे हमें स्लाइड दिखानी चाहिए। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, जब हम स्लाइड्स ऑन करते हैं, इसको ज़रा कैंसिल करते हैं, एक मिनट देखते हैं। जैसे हम यहाँ से स्लाइड्स जब ऑन करते हैं तो और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, फुल स्क्रीन में दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर जब सेटअप स्लाइड्स पे आते हैं और हम यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाता है, देखिए सबसे पहले दिया है प्रेजेंटेड बाई ए स्पीकर फुल स्क्रीन, अभी यहाँ पर लगा हुआ। अगर हम कर दें ब्राउज्ड बाई इंडिविजुअल विंडो तो हमें इंडिविजुअल विंडो की तरह दिखाई देगा। अगर हम ओके करके और फिर से हम ऑन करते हैं तो देखिए जैसे फ्रॉम करंट स्लाइड्स पे क्लिक करके अब देखिए ऊपर देखो ये विंडो और नीचे रिबन भी दिख रहा है, टास्क बार भी दिख रही है, ठीक। तो इस तरीके से हम चाहें तो यहाँ इस तरीके से भी सेट करके दिखा सकते हैं। सेटअप स्लाइड्स पे आते हैं और हम फिर से उसी पे लगा देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ब्राउज डाटा कियोस्क फुल स्क्रीन अगर हम चाहते हैं और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ भी लगा सकते हैं। लूप कंटिन्यू अंटिल एस्क, अगर हम इस पर टिक कर देंगे तो हमारी जो स्लाइड वाई स्लाइड जो है वो चलती रहेगी जब तक हम एस्केप बटन ना दबाएं। वैसे क्या होता है कि जब समाप्त हो जाती है तो लास्ट स्क्रीन पे जो ब्लैंक आ जाता है, लेकिन लूप में अगर हम डाल देंगे तो जैसे ही लास्ट वाली एंड होगी तुरंत फर्स्ट वाली में आ जाएगी। इस तरीके से इसको हम जरा देख लेते हैं एक बार करके। यहाँ पर जैसे हमने फ्रॉम बिगिनिंग करा, ठीक, अब हम जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए 6 के बाद सीधे फर्स्ट पे आ गए, फिर उसके बाद जैसे 6 के बाद फिर फर्स्ट पे आ गए, ठीक। तो लूप में जब तक हम एस्केप बटन नहीं दबाएंगे तब तक कि लूप में स्लाइड्स चलती रहेंगी। तो हम सेटअप स्लाइड्स के थ्रू जो है यहाँ से चाहें तो हटा भी सकते हैं। सो विदाउट नरेशन, मान लिया अगर हमने नरेशन रिकॉर्ड करके रखा है, जैसे हमने कोई यहाँ पर रिकॉर्ड नरेशन वाला जो ऑप्शन है इसी में आ गई है, तो ये सारी चीज़ें हम अगर मान लिया हमने कोई रिकॉर्ड कराया है नरेशन किसी भी स्लाइड पर, हमने कुछ बोला है, ठीक, तो वो सारी चीज़ें अगर हमको शो करानी है तो शो कराएं, नहीं तो ना शो कराएं। यहाँ पर अगर एनिमेशन अगर हमने कोई लगाया है तो एनिमेशन अगर हम चाहते हैं तो शो कराएं, चाहें तो ना शो कराएं। ओके, पेन का कलर क्या होता है, जैसे कि जब हम यहाँ पर स्लाइड्स को ऑन करते हैं तो सॉरी इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा, ठीक। हमने यहाँ पर स्लाइड्स ऑन करा तो हम अगर कुछ जैसे मान लीजिए समझाना चाहते हों तो उसके साथ में जो पेन यूज करते हैं दिखाई पड़ता है जो साइड में कुछ शो कराने के लिए, तो उसका कलर हम यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं, ठीक। सो स्लाइड्स मतलब कौन सी स्लाइड से कहाँ तक की स्लाइड हमें शो करानी हो यहाँ भी हम दे सकते हैं, 1 से लेके 5 या 1 से लेके 2 जैसा भी हो हम यहाँ शो कर सकते हैं। देखो कस्टम शो पे जो वही है जो हमने अभी बनाया था यहाँ से,
ठीक, तो यहाँ पर इसको शो कराता है मैनुअली क्या होता है और यूजिंग टाइमिंग प्रेजेंट। अगर हमें हमने टाइमिंग सेट कर रखी है प्रत्येक स्लाइड के लिए तो यहाँ से सेट होगा, अदरवाइज हम मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा भी चाहें वैसा ले सकते हैं। ओके, ये होता है सेटअप स्लाइड। तो फिर बात करें हम हाइड स्लाइड। हम चाहते हैं कि कोई भी स्लाइड हमारी प्रेजेंटेशन के समय ना शो हो। जैसे मान लीजिए 2 नंबर की स्लाइड हम नहीं शो कराना चाहते हैं तो हाइड स्लाइड पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन में ये वाली स्लाइड, और 4 को भी हम चाहते हैं हाईलाइट हाइड कर दें तो ये हाइड हो जाएगी। फिर अगर हम फॉर्म करंट स्लाइड शो से अगर क्लिक करें तो देखिए 4 नंबर से जो है इस तरीके से, देखिए जब हाई के बाद वाली जो स्लाइड 2 आनी चाहिए 2 नंबर की, ठीक, लेकिन यहाँ पर 3 आ रही सीधे, तो हमने जो हाइड कराई है वो यहाँ प्रेजेंटेशन में नहीं शो होंगी। ठीक, और इनको जा करके हम अनहाइड भी, मतलब हाइड पे जाकर फिर से क्लिक कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाएंगी। फिर रिकॉर्ड नरेशन क्या है, जैसे हम किसी भी चाहते हैं किसी पर स्लाइड पर कुछ अगर रिकॉर्ड कराना चाहते हों तो वहाँ पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। ओके कर देंगे, और करंट स्लाइड पे जो है हम अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेगा और ये जो इस तरीके से हमारा नरेशन बैकग्राउंड में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, तो हम जैसा चाहें वहाँ पर सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जा करके ओके। फिर इसके बाद में इसको कट कर दो। रिहर्स टाइमिंग, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड कौन से कितने टाइम पे शो हो, ये होती है हमारी करंट स्लाइड की टाइमिंग और ये होती है टोटल, और हम इस पर अगर आगे आगे कर देंगे तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमें टाइमिंग 1 सेकंड के लिए शो हो। ठीक, नेक्स्ट वाली स्लाइड जो है हम चाहते हैं 2 सेकंड शो हो तो 2 सेकंड के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, फिर ये वाली स्लाइड जो है हम 3 सेकंड के लिए, तो मतलब यहाँ से हम चाहें तो सेट कर देंगे और यहाँ पर टोटल टाइमिंग सेट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम उसकी जो है रिहर्स टाइमिंग दे सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो हमने सब सब स्लाइड्स के लिए टाइमिंग दी रखी हैं उनको अगर आप सेव कराना चाहते हो तो सेव करा दीजिए, ये इस पर क्लिक कर देंगे तो हर एक स्लाइड के लिए वो टाइमिंग निर्धारित हो जाएगी। ओके, अब ये स्लाइड सॉर्टर में देखो दिखा भी रहा है कौन से स्लाइड के लिए कितना टाइमिंग निर्धारित हुआ है। जैसे ये वाली के लिए सबसे ज़्यादा है 0:06, फिर 0:03 सेकंड के लिए 3 सेकंड, इस पर भी, और इसमें भी बहुत, इस पर हमने सेट ही नहीं करा तो इसलिए यहाँ पर नहीं सेव करा रहा है। ठीक, स्लाइड सॉर्टर के थ्रू हम देख भी सकते हैं कि किस स्लाइड पे कौन सी टाइमिंग ज़्यादा यूज करी गई है। ठीक, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे ये यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है यूज़ रिहर्स टाइमिंग, अगर ये वाले पे क्लिक करते हैं तभी हमारा जो है ये टाइमिंग जो यूज होती है, अदरवाइज नहीं यूज करता है। ठीक, तो इस तरीके से स्लाइड सॉर्टर पर लगाए, हम नॉर्मल पर क्लिक कर लें और फिर से आ जाएँ वहीं पर स्लाइड शो भी आएँ। फिर बात करेंगे मॉनिटर जो है ये विशेषता ऑप्शन, जैसे इसमें यूज प्रेजेंटर व्यू जब यहाँ तब यूज होता है जब हमारा जो मॉनिटर, मतलब हमारी कोई प्रेजेंटेशन जो है वो 1 से अधिक मॉनिटर पर जो है चल रही हो और हमारा जो मेन हैंडल वाला कंप्यूटर है वो हमारे हाथ में है, तो हम यूज प्रेजेंटेशन पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए द फीचर इज फॉर यूज फॉर मोर देन वन मॉनिटर, एक मॉनिटर से ज़्यादा के लिए यूज करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। और टू सी इफ योर कंप्यूटर कैन डिस्प्ले ऑन मल्टीपल मॉनिटर्स टू क्लिक चेक द बटन, अगर हमारा मॉनिटर जो है जिस मतलब जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं वो सबको ऑपरेट करे तभी के लिए यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे यूज करंट रेजोल्यूशन, मतलब कि हम चाहें तो यहाँ से रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके की, और इस तरीके से हमारा जो है स्लाइड शो टैब जो होता है समाप्त होता है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और किसी भी ऑप्शन के बारे में और कोई डाउट हो तो आप बेशक कमेंट पूछ सकते हैं और मैं उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।